नहीं है। ये बुरखा भी जो है, ये बुरखा अल्लाह तबारक ताला ने औरत की प्रोटेक्शन के लिए दिया है। अगर प्रोटेक्शन, लोग अपनी गोल्ड की ज्वेलरी को क्या रास्ते में खुलेआम खोलकर चलते हैं? नहीं ना, जो उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है जो चीज, जैसे डायमंड है, रास्ते में कोई खोलकर चलता है? डब्बी को हाथ में लेकर चलता है? नहीं, वो उसको छुपा के जाता है कि लोगों को पता नहीं चले मेरे पास ये। क्यों? कि कोई चोर आएगा, कोई डाकू आएगा, छीन के लेकर चला जाएगा। जिस तरह जो चीज इंपॉर्टेंट होती है ना, जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, उसको लोग उतना ज्यादा छुपाते हैं, उसको खोलते नहीं है। उसी तरह हमारे रब के नजदीक ये औरतें ना, अल्लाह ने, इस्लाम ने जितनी औरतों को इज्जत दी है, जितना रुतबा इस्लाम ने दिया है, वो किसी ने नहीं दिया है। ऐसा इस्लाम ने औरतों की प्रोटेक्शन के लिए इस बुरके को दिया है। फिजिकल, अगर साइंटिफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो इस बुरके में फायदा ही औरतों के लिए, कोई नुकसान नहीं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट देख लो, उसको पढ़ लो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ब्लैक बुरखा पहनना औरतों के लिए कोई नुकसान नहीं है। आज कितने लोग हैं जो अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए चेहरे को कवर करते हैं, सर को कवर करते हैं? कितने ऐसे हमारे नाम गैर मुस्लिम भाई भी हैं, जो हिंदू भाई, सॉरी हिंदू बहनें हैं, जो अपने चेहरे को कवर करती है प्रोटेक्शन के लिए, पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अब क्या करेंगे, उनको भी मना कर दिया जाएगा? टीबी पेशेंट्स हैं जिनको कहा जाता है फेस को कवर करो ताकि इसकी वजह से दूसरे अफेक्ट ना करें। हॉस्पिटल में कैंसर पेशेंट्स हैं, उनको कहा जाता है फेस को कवर करो। ये हॉस्पिटल में जो सिस्टर और डॉक्टर्स जो मास्क लगा के ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, तो वो सब बंद कर दिया जाएगा? सारे टीबी पेशेंट को खुला छोड़ दिया जाएगा, कहा जाएगा कि अभी चेहरा खोलकर चलो? नहीं ना, उनसे भी कहा जाएगा कि चेहरे को ढकना क्या मकसद है, उनका प्रोटेक्शन है। वैसे ये जो बुरखा है ना, एक औरत का प्रोटेक्शन है, उसके ऊपर कैद नहीं है, उसके ऊपर उसको रोकने के लिए या उसको दबाने के लिए नहीं है, ये उसको प्रोटेक्ट करके बढ़ाने के लिए, उठाने के लिए। आज बुरके में औरतें कहाँ कहाँ काम नहीं कर रही है। आई एम ऑल्सो फिजिक्स प्रोफेसर, आई हैव ऑल्सो टॉट फॉर मोर देन 3 ईयर्स।